हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुचि सोया के स्टॉक के बारे में तो रुचि सोया के शेयर होल्डर अगर आप हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और रुचि सोया के रिलेटेड तो कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको आती हुई देखने को मिल रही है आफ्टर एफ तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे एंड डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अपडेट निकल गया है रिलेटेड टू स्टॉक नेम स्टॉक का नाम दोस्तों जल्द बदलता हुआ देखने को मिलेगा क्या मतलब है इसका वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड आज भी आप कह सकते हैं कि देखिए ठीक ठाक तेज़ी होती हुई देखने को मिली तो कल कितना करता हुआ देखने को मिलेगा ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा दोस्तों ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके आज ज़रूर जाना तो दोस्तों अगर आप रूज्यूसर को आज देखेंगे तो शुरुआत में तो काफ़ी बढ़िया कर रहा था स्टॉक ऑलमोस्ट एट टू नाइन परसेंट ऊपर खुला था और कह सकते वन थाउजेंड रुपीज़ का लेवल टच कर दिए थे बट बंद होते होते देखिए बाजार में आपको स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो गिरावट आती हुई देखने को मिल गई वन थाउजेंड रुपीज़ का लेवल एक्जैक्ट टच करता हुआ देखने को मिल मिल सकता था बट वो ठीक है प्री ओपन में होता हुआ देखने को मिला था बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए स्टॉक यहाँ पे आपको तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिला है कह सकते हैं कि देखिए एक वो रब ऑफ था और वो आपको आज हटता हुआ देखने को मिला और इस पूरे अगर पिछले एक हफ्ते की बात करता हूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट पॉइंट फोर फो परसेंट नीचे लेकिन एक महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट पाँच परसेंट के डाउन साइड रिटर्न कमा के तो नहीं कह सकते हैं डाउन साइड स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला है वो कुछ रिटर्न कमा के नहीं दे पाया है बट ओवरऑल देखिए सोया ने जिस प्रकार से भी आपको लास्ट कुछ इयर्स के अंदर बेसिकली टू टू थ्री इयर्स के अंदर रिटर्न्स कमाए वो अनडाउटेडली मासिव है वो कोई भी देखिए मैच नहीं कर सकता है जितना देखिए रुचि सोया बढ़ता हुआ देखने को मिला है और सबसे बड़ी बात अभी कंपनी का फ्रेंड्स एफपीओ आया था और एफ पी ओ से दोस्तों जो कंपनी ने वादा किया था वो पूरा किया है कौन सा वादा किया था वो आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले एक बार इसकी वॉल्यूम पे आज नजर डाल लेते हैं कितनी वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है और फिर जो आगे की खबर है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है तो आज वॉल्यूम जो आती हुई देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट दो करोड़ सत्रह लाख की है बहुत शानदार वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है कुछ ब्लॉक डील भी हुई थी बारह हजार एक सौ पैंतीस ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो अभी भी बाइंग साइड पर देखने को मिल रहे हैं जो पेंडिंग है जो कल आपको एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेंगे डिलीवरी की बात करता हूँ तो डिलीवरी ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट के आसपास आती हुई देखने को मिली है डिलीवरी भी बढ़िया है लेकिन जैसा मैंने कहा था कि देखिए कंपनी ने जो भी एफ पी ओ लाया था इस इसमें कंपनी ने काफ़ी कुछ कहा था सबसे पहले देखिए कंपनी ने कहा था कि एफ पी ओ से हम अपनी डेट खत्म करेंगे और ये दोस्तों जो कंपनी ने वादा किया था वो पूरा हो चुका है नाउ रुचि सोया इज़ फुली डेट फ्री कंपनी के ऊपर जितना भी देखिए कर्ज था वो कंपनी के द्वारा चुका दिया गया है आगे भी अगर आप देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट कुछ भी अगर छोटा मोटा होता हुआ देखने को मिलता है तो उसको इतना बड़ा डेट में नहीं गिना जाता है लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि नाव अगर आप देखेंगे तो कंपनी इज़ डेट फ्री एंड कंपनी डेफिनेटली देखिए अब आपको आगे और बढ़िया करते हुए देखने को मिलेगी याद रखिएगा जिस कंपनी के ऊपर कर्ज होता है जिस कंपनी के ऊपर डेट होता है वो आ, बढ़ पाती है लेकिन इतना नहीं बढ़ पाती है जितना कर्ज मुक्त बढ़ेगी क्योंकि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है जब तक देखिए आपके ऊपर कुछ बोझ रहेगा तो आपको वो करने का सबसे पहले रहेगा और यही अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एफपीओ से किया है एफपीओ से देखिए कंपनी ने अपने ऊपर जितना भी डेट था उसको रिलीज़ कर दिया है उसको ख़त्म कर दिया है सारा डेट का जो पेमेंट होता है वो कंपनी ने फ्रेंड्स कर दिया है तो अपने आप में कह सकते हैं कि इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है कंपनी ने अपना फुली डेट को पे कर दिया है और यही दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है एक और दोस्तों जो बड़ी खबर है दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि रुचि सोया का नाम बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है रुचि सोया का दोस्तों जो नाम है वो अब चेंज होता हुआ देखने को मिलने वाला है एंड नाम जो दोस्तों यहां पर आ, कह सकते हैं अभी आता हुआ देखने को मिल रहा है वो है पतंजलि फूड्स लिमिटेड पतंजलि दोस्तों यहाँ पर आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है ये नाम और कहा जा रहा है कि यही नाम रखा जाएगा बट अभी तक देखिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो नहीं मिलता हुआ देखने को मिला है और आज कंपनी द्वारा बोर्ड मीटिंग हुई थी कल हुई थी बोर्ड मीटिंग बेसिकली और उसका जो ये रिजल्ट निकल के आया कि कंपनी सबसे पहले रुचि सोया का नाम बदलती हुई देखने को मिलेगी और वो पतंजलि फूड्स में आता हुआ देखने को मिलेगा अब इसमें एक बहुत बड़ा काम होता हुआ देखने को मिलने वाला है अब क्या है सबसे पहले आप समझिए सबसे पहले तो क्या है कंपनी एफपीओ पी जलाई उससे कंपनी ने डेट रिपेमेंट किया और अगर आप रुचि सोया को देखेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पहले भी काफ़ी बदलाव किए थे जब पतंजलि ने अधिग्रहण किया था और अब अगर आप देखेंगे तो रुचि सोया को पूरा पतंजलि के अंदर शामिल करने वाली है अभी रुचि सोया और पतंजलि ऐसे चलता हुआ देखने को मिलता था और पतंजलि फूड्स अगर आप देखेंगे फूड्स लिमिटेड पतंजलि फूड्स लिमिटेड जो नाम होता हुआ देखने को मिलेगा वो अब होगा क्या इसका मतलब कि पतंजलि के अंदर जो भी देखिए फूड प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं पतंजलि देखिए काफ़ी काम करता है ठीक है लेकिन पतंजलि का जो बेसिक फूड का यहाँ पर सेक्टर है फूड का देखिए जो काम है वो अब आपको रुचि सोया के अंदर ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा रुचि सोया कौन सी कंपनी है रुचि सोया अगर अभी आप देखेंगे तो एक ऑयल कंपनी है एडिबल ऑयल बिजनेस कंपनी का काम है लेकिन अब जब रुचि सोया का नाम बदलता हुआ देखने को मिलेगा और वो पतंजलि फूड हो जाएगा तो इसके अंदर ऑयल तो आएगा ही आएगा रुचि सोया का लेकिन जो पतंजलि के फूड प्रोडक्ट्स है वो भी ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे पतंजलि का फूड प्रोडक्ट कौन कौन से वो दोस्तों ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे जैसे चवन प्रांस हो गया पतंजलि घी हो गया जो पतंजलि के मेन मेन फूड प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि बिस्किट्स हो गए तो जो भी दोस्तों यहाँ पे होते हुए देखने को मिलते हैं वो फ्रेंड्स अब होता हुआ देखने को मिलेगा यानी अब रुचि सोया जो है वो आगे ऑयल वाली कंपनी नहीं रहने वाली है वो फूड्स वाली कंपनी भी रहने वाली है तो आप समझिए कितना बड़ा चेंज होने जा रहा है और अब तक का सबसे बड़ा चेंज है दोस्तों जो होता हुआ देखने को मिलेगा और रुचि सोया का देखिए अधिग्रहण कह सकते हैं कि पतंजलि का लास्ट टारगेट यही था कि उसको अपने अंदर पूरा ऐड करना है लेकिन कंपनी अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से पतंजलि ने रुचि सोया को चलाया वो आई थिंक फिनोमिनल है क्योंकि सबसे पहले तो देखिए पतंजलि ने रुचि सोया को पूरा ठीक किया रुचि सोया को पूरा ऊपर तक लेके आए हज़ारों करोड़ में मार्केट कैप करी और अब अगर आप देखेंगे तो पतंजलि भी ऐड होती हुई देखने को मिलेगी और पतंजलि अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है हर घर में च्यवन प्रांस मिल जाएगा आपको हर घर में पतंजलि बिस्किट्स मिल जाएंगे पतंजलि के कोई भी प्रोडक्ट्स हुआ एक्सवाइज वो आपको मिलते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे और अब अगर आप देखेंगे तो पतंजलि जब यहाँ पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा बेसिकली जो नाम चेंज होगा तो पूरा कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो यही होगी कि पतंजलि की भी मार्केट के आप कुछ से हमें ऐड होती हुई देखने को मिलेगी यानी पतंजलि फूड्स की तो ये अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है जो कह सकते हैं कि अनडाउटेडली फिनोमिनल है और आप समझिए कि इससे बहुत चेंज होगा पोर्टफोलियो में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा न्यू पोर्टफोलियो बनेगा पतंजलि अगर आप देखेंगे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पतंजलि एडिबल ऑयल के अलावा आटा दाल जूस अन्य अन्य आते हुए देखने को मिलेंगे मसाले कैचअप घी शहद चवन प्राण ड्राई फ्रूट हर्बल मेडिसिन जूस एवं एक्सेट्रा तो इम्पोर्टेंट यही है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चेंज होने जा रहा है कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर वो आई थिंक फिनोमिनल है और अब पता आ, मैं कहूँगा रुचि सोया को बिल्कुल यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में विचार कर सकते हैं आज गिरावट हुई है और कल हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट हो जाए तो उसके अंदर एड ऑन करने की मेरी सलाह है अब बात करते हैं कल के टारगेट के बारे में तो दोस्तों रुचि से मुझे लगता है कि आ, सही लेवल्स के आसपास अगर आपको मिलता है नाइन आ, नाइन हंड्रेड एट फिफ्टी आई थिंक आप सही लेवल्स नहीं आप आने वाले दो से तीन साल के अंदर में सोचिए इस स्टॉक की प्राइस कहाँ चले जाएगी ये कोई नहीं सोच सकता है कंपनी की मार्केट कैप का एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि पचास करोड़ तक पहुँच सकती है फिफ्टी थाउज़ेंड करोड़ ये बहुत बड़ा फिगर होता है अगर वो पतंजलि फूड्स भी ऐड हो जाती है और वो ऑलमोस्ट ऐड होगी बिकॉज कंपनी ने तय कर रखा है तो मेरी सलाह यही कि अगर आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल ऐड कर लीजिए अगर कल कोई गिरावट हो जाए बेसिकली क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट सेवन टू एट परसेंट डाउन था सो तो ये ये मौका लगता है मुझे बाइंग करने का बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वन थाउजेंड एक बेसिक रजिस्टेंस है वो डेफ़िनेटली देखिए आगे भी आपको कह सकते स्टॉक को बढ़ने में नहीं देगा बट मुझे लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है इसको ऐड करने का रुचि सोया को तो अनडाउटेडली ऐड किया जा सकता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था होप्स वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो